नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और अभी एसएससी की नोटिस भी आपको मिल गई होगी कि लगातार जो इसके एग्जाम है वो कंडक्ट करा रहा है। और इसी के रिगार्डिंग अब जब एमटीएस की भी उसी नोटिस में आपकी डेट आ गई है, जो आपकी 2 मई से लगातार आपके पेपर होने वाले हैं, 2 फेजेस में होंगे, कुछ मई के दिन होंगे, कुछ जून के दिन होंगे। तो देखा जाए कुछ बच्चों के पास केवल अप्रैल का समय मिला है, ये तो हमारे किस्मत पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों के पास जून तक का समय मिला है, मतलब किसी को 1 महीना तो किसी को 2 महीना, इन्हीं के बीच में क्या होगा, पेपर होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब जब पूरा पैटर्न बदल गया है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, और बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि पैटर्न कैसा है, उसमें किस तरीके से रणनीति हमारी होनी चाहिए, क्या पोर्शन हमारा होना चाहिए, उन सारे ही माइनस पॉइंट को मैं लेके आपके सामने आया हूँ। और कैसे आपकी तैयारी, वो भी निशुल्क कैसे तैयारी आप कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, इसकी पूरा जिक्र मैं इस सेशन में करने वाला हूँ। चैनल पर अगर बच्चे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी के एमटीएस की पूरी निःशुल्क क्लासेस, वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए करने वाला हूँ इसी सेशन के मिड में या लास्ट में मैं आपको करूंगा, तो आप वीडियो थोड़ा देखते रहिए, बाकी स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर ही करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर साझा करिएगा। तो यहाँ पे आप एसएससी एमटीएस को देख रहे हैं कि कैसे करें निःशुल्क तैयारी। एक बात मैं आपको बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस के द्वारा बहुत ही बेहतरीन बैच एसएससी एमटीएस का टोटली फ्री चलाया जा रहा है, जिसमें हम ये सारी ही किताबें आपको दे रहे हैं। साथ में ही आपको पूरा का पूरा लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको उसका रिकॉर्डेड क्लासेस और पूरे क्लास नोट्स आपको मिलने वाले हैं, जो आपकी अब तैयारी है 1 महीने में वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। इस बात को आप समझते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अभी एसएससी एमटीएस की आपने ये देखा होगा कि हम कट ऑफ के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं और तैयारी कैसी होनी चाहिए। बच्चों पहले मैं बता दूं कि एसएससी एमटीएस का इस वर्ष से पहले अभी तक, मतलब जो 2022 का भी पेपर हुआ है, ऐसे बोल सकते, 2022 की वैकेंसी 23 में आई है, 2022 में जो पेपर हुआ है 2021 वाली वैकेंसीज का, उसमें अगर बात किया जाए तो जो पैटर्न था 25 25 25 25 का, मतलब 100 क्वेश्चन होते थे, 100 नंबर का, 200 नंबर का होता था और 90 मिनट आपको क्या मिलता था, समय मिलता था। यहाँ पे इसमें 1/4 निगेटिव होती थी और इसके बाद क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, जिसमें आपको शॉर्ट एसे और लेटर लिखना रहता था, 50 नंबर का होता था, 25 25 का एसे, 25 का लेटर आपका होता था, 45 मिनट का होता था, ये क्वालिफाइंग होता था, उसके पूरे मार्क्स जुड़ते थे। लेकिन इस बार से पूरा ही पैटर्न बदल गया है और इस पैटर्न को आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको इतना बता दूं कि अभी आपका इसमें 2 सेशन होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 बिल्कुल बेकार है, ये आपके मतलब का ही नहीं है, इसमें केवल आपको क्या करना है, 30% नंबर लेके आना है सेशन 1 में, ये ओवरऑल 30% नंबर लेके आना है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 35% 25% ही लेके आना है, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। तो 30% मतलब कि अगर आप देखो तो 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में से केवल 12 क्वेश्चन यहां पे करना है, और सेशन 1 का ना ही मार्क्स आपका फाइनल मेरिट पे जुड़ेगा, ना ही आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में जुड़ेगा। मतलब न्यूमेरिकल मैथ्स की बात करें और रीजनिंग की बात करें तो ये आपके एग्जामिनेशन में कोई रोल प्ले कर ही नहीं रहा है, केवल इसे क्वालिफाई करना है। रोल कौन प्ले करेगा, वो अब करेगा जनरल अवेयरनेस, और कौन प्ले करेगा, इंग्लिश प्ले करेगा, इस बात को आप समझते हुए चलिएगा। तो जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, वो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके 25-25 क्वेश्चन जो मार्क्स है वो 75 है, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, और 45 मिनट आपको सेशन 1 को दिया जाएगा, 45 मिनट सेशन 2, मतलब टोटल जो है अभी भी ये कितना है, 90 मिनट अभी भी है, पहले भी 90 मिनट था, बट पहले 100 क्वेश्चन था, अभी कितना है, 90 मिनट है। पहले आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और एक बात आप और समझिएगा कि ये नॉन निगेटिव है, ये पार्ट क्या है, नॉन निगेटिव है, सेशन 1 जो है नॉन निगेटिव है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, मतलब जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी वो भी क्या हो गई, यहाँ पे दूर कर दिया गया है। तो एसएससी एमटीएस अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है, इस बात को समझिएगा। 10th लेवल का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 18 से 25, 18 से 27 दो एज ग्रुप में इसके पेपर निकलते हैं, जो फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म आप सभी लोगों ने भर ही दिया होगा, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, और सभी लोग इस बात से वाकिफ हो गए कि किस उसमें छोटी छोटी जो प्रक्रिया होती है फॉर्म भरने वाली। अभी हम लोग बात करते हैं कि 1 महीने में कैसे हमें एमटीएस को निकालना है, जो बिल्कुल जीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए अब आप समझिएगा, पहले जो ये पेपर डिस्क्रिप्टिव था, अब डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे है नहीं, ठीक है, अब केवल आपका क्या हो गया है, पीएसटी हो गया, पीईटी हो गया है, इसमें केवल रेस है, मेल और फीमेल का रेस आप देख लीजिएगा, ये तो बात की बात है। सबसे पहली बात है कि पहला आपको चरण होना चाहिए, ये आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसका है, तो ये जो आपको होना चाहिए ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिलेबस में आपको 2 का दिखाऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग में आपको केवल टॉपिक बता दूंगा,
आप केवल वो टॉपिक कर लेना, वो मेरी क्लास से आप केवल कवर कर लोगे, तो मैथ्स और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स भी पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपको केवल रीजनिंग पढ़ के आपको सेशन वन क्लियर कर लेना है। आपको करना केवल है करना आपको इंग्लिश और जीएस, ये मजबूत करना है, और इसी बेसिस पे आपका क्या होगा, कट ऑफ जाएगा। पहले जहां पे आपका 200 नंबर का पेपर होता था 100 क्वेश्चन का, अब आपका यहां पे अगर केवल बोला जाए सिलेक्शन के लिए, तो आपके 25 25 85 क्वेश्चन है, मतलब 150 नंबर है। तो 150 में नंबर में हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं और क्या कट ऑफ जा सकती है, इनकी बातें हम लोग करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सिलेबस देखोगे तो पहले के हिसाब से अभी सिलेबस बिल्कुल बदल गया है। पहले जो सिलेबस ओल्ड था वो आपकी इंग्लिश कुछ ऐसे थी कि आपका ग्रामर होगा, वोकैब्स होगा, सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, उसके यूजेज होंगे और राइटिंग एबिलिटी होगा, जिसमें ये क्या पूछता था, क्लोज टेस्ट थोड़ा सा। और वहां पे जो दूसरा पेपर था यहाँ पे क्लोज टेस्ट काफी पूछता था, 5 क्वेश्चन। अभी इसने क्या कर दिया है, क्लोज टेस्ट की जगह पे ज्यादा चांसेस है, क्या पूछेगा, कंप्रेहेंशन का पूछेगा, छोटा सा आपका पैसेज रहेगा, 5 क्वेश्चन आपकी कंप्रेहेंशन करेंगे इंग्लिश के, ये गारंटी है, इस बात को समझिएगा। उसके बाद आपका क्या रहेगा, वोकैब्स रहेगा और ग्रामर रहेगा। इंग्लिश की स्ट्रेटजी को आप ऐसे समझो, बाकी मैं सिलेबस दिखाऊंगा, इंग्लिश अभी भी, पहले भी बात किया जाए, अभी भी बात किया जाए, बाकी सारी चीजें तो सेम है, ज्यादा चेंज नहीं है। आप यहाँ पे देखो वोकैबुलरी है, ग्रामर लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसके करेक्ट यूजेस सब कुछ है, बस इसमें कंप्रेहेंशन अलग से दिया गया है, इस बात को समझिएगा। तो आपको इंग्लिश में स्कोर कहां से करना है, टोटल 25 क्वेश्चन में, 25 क्वेश्चन में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या रहेगा, कंप्रेहेंशन का रहेगा, मतलब पैसेज रहेगा, इस बात को समझिएगा, क्या रहेगा, कंप्रेहेंशन रहेगा। और जो 20 क्वेश्चन बच रहे हैं, 20 क्वेश्चन में कम से कम जो 12 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 20, है ना, ये 25 ही ले लो, 25 में 12 क्वेश्चन जो होंगे वो कम से कम वो कैप्स के रहेंगे, और बाकी जो 8 क्वेश्चन बचे इसी 25 में से 8 क्वेश्चन जो बच रहे हैं ये आपके कितने होंगे, ये आपके ग्रामर पोर्शन के होंगे। तो इंग्लिश जहां पे पहले क्योंकि और भी सब्जेक्ट होते थे तो उनके बिहाफ पे आपको क्या होता था, उनकी मार्क्स से कट ऑफ बनती थी, बट अब क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स है ही नहीं, तो ऐसे बच्चे जिनकी मैथ्स स्ट्रांग होती थी, जीएस और इंग्लिश क्या होती थी, कमजोर होती थी, वो अपने मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग में उठा लेते थे। अभी उनका सीन एकदम खत्म हो गया, अब जो बच्चे बचे हैं वो केवल कौन से बचे हैं, जीएस आपको आनी चाहिए और इंग्लिश आनी चाहिए। तो आपको इसमें मैक्सिमाइज करना होगा, मैं आपको इतना बस बताता हूं कि आपको मैक्सिमाइज करना कैसे है। जैसे ये 5 क्वेश्चन आसान है, अगर आप इस पे अभी से प्रैक्टिस कर दोगे, आज ही से आप हैबिट डाल दो कि एक पैसेज डेली करना है। जिस बच्चे का पेपर 2 तारीख को भी पड़ गया, जैसे अगर आप यहाँ पे टाइम शेड्यूल देखो, टाइम शेड्यूल को यहाँ पे देखो, जो आपका टाइम टेबल आया है कल 2/5/23 से लेके 19/5/23 एक मिलेगा, और 13 जून से लेके 20 जून आपका दूसरा मिलेगा, एमटीएस के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में यहाँ पे करें तो 5 क्वेश्चन अगर डेली बेसिस पे आप एक लगाते हो तो आपके 30 मिनिमम 30 कंप्रेहेंशन हो जाएंगे, छोटे छोटे कंप्रेहेंशन का प्रैक्टिस करना है। 10th लेवल पे ये होता है तो आपके सीजन लेवल का कंप्रेहेंशन नहीं आएगा, उसके लिए परेशान मत होना, 5 में 5 यहाँ से उठाए जाते हैं, जा सकते हैं। दूसरी चीज, आपके ये 12 क्वेश्चन, 12 में कम से कम 10 से 11 नंबर उठाए जा सकते हैं। आप केवल केवल सर्वे सर की क्लास कर लो, इस बात की गारंटी है कि 12 में से आउट ऑफ कम से कम 10 प्लस आपका हो जाएगा। ये क्लास आपकी एसएससी एमटीएस की जो निशुल्क कोर्स चलाया जा रहा है, ठीक है, एकदम जो फाउंडेशन से चलाया जा रहा है, उसी में आपको मिलेगा। इस क्लास की जो वोकैब वाले की टाइमिंग है 10:30 बजे सुबह मॉर्निंग में ही, आप नोट कर लो, अभी मैं आपको टाइम टेबल भी बता दूंगा, 10:30 AM पे आपको बस ये क्लास करना है। इसमें नंबर्स आपको उठाना कैसे है, जितना आप प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि एमटीएस है और एसएससी की सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश में वैसे तो सिलेबस डिस्क्लोज नहीं करता बहुत ज्यादा, बट सबसे अच्छी बात यह कि ये प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा पूछता है। और अगर वोकैब्स पार्ट की बात किया जाए तो ये टोटल क्या होते हैं, ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 90% क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, इस कारण से आपके लिए ये क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। रही बात ग्रामर की, तो सबसे ज्यादा बच्चा मेहनत यहीं पे करता है, लेकिन सबसे कम नंबर यहीं पे आते हैं। इसके लिए आप ज्यादा चिंता मत करो, इसके लिए जो आपकी क्लास होती है ये इंग्लिश की, इसीलिए क्योंकि पूरा एमटीएस फोकस आपका ये कराया जा रहा है, और आपके 9 AM पे आपकी क्या होगी, यहां पे इंग्लिश कोर की क्लास होगी जो आपकी ग्रामर वाली होगी, और ये भी क्योंकि वेटेज ओवरऑल देखा जाए तो कम है, इसलिए आपकी 3 दिन सप्ताह में कही जाएगी, इसकी जगह पे 3 दिन आपका जीएस कोर किया जाएगा। तो ये आपको ओवरऑल कितना करना है इंग्लिश में, देखो बच्चों जब दो ही सेक्शन है, अभी यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं, तो मैं बोलता कि आप इसमें इतना कर लीजिए, इसमें इतना कर लीजिए, बट आप अपने स्कोर मैक्सिमाइज करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अभी तक भी एमटीएस का जो कट ऑफ होता है
वो बहुत हाईएस्ट रहा है। जैसे अगर आप 2021 वाली भर्ती का देखोगे तो 95 गया था ऑल इंडिया, अगर देखा जाए ओवरऑल लिया जाए तो। 2020 का देखा था सबसे ज्यादा बिहार का गया था, 93 गया था। 2019 का देखा जाए 96 गया था, हरियाणा का गया था। हालांकि जो ये कट ऑफ है, क्योंकि क्या होता है रीजन वाइज होता है, कहने का मतलब स्टेट वाइज होता है, तो वैकेंसी पहली बात कट ऑफ किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि कितने पोस्ट किसी पर्टिकुलर स्टेट में है। दूसरी बात ये किस पे डिपेंड करता था, क्योंकि इसमें पहले सीजीएल वाले बच्चे भी, सीएचएसएल वाले बच्चे भी, सब लोग अप्लाई करते थे और उनके कारण मैथ्स और रीजनिंग में नंबर बहुत ज्यादा आने के कारण नॉर्मलाइजेशन में उनमें को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता था। ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये क्या है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, जो 12-12, 15-15 नंबर बढ़ने के बाद आते थे। इस बात को समझिएगा, कई बार टोटल जो होता था उसमें से भी क्या होता था बढ़ जाता था, ये क्लियर करते हुए चलिएगा। तो 93 आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं, ये आपका जो हाई कट ऑफ जाता था उसकी बात कर रहा हूं, हाई कट ऑफ है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी ये थी, नॉर्मलाइजेशन आपका ये रहा है। पहले 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता था, ये बात आप ध्यान में रखते हुए चलना। नंबर ऑफ वैकेंसी और नॉर्मलाइजेशन ये मेन फैक्टर होता था इसका कट ऑफ बढ़ने के लिए। बट अब क्या है, अब केवल आपका इंग्लिश और जीएस है तो कट ऑफ बहुत तेजी से नीचे आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग वाले बच्चे यहाँ पे एक्सेप्शनली नंबर नहीं उठा पाएंगे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, मैथ्स रीजनिंग अच्छी थी, थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी बदलनी है। और अब मैं आपको बोलूंगा मैक्सिमाइज जितना आप इंग्लिश कर सकते हो वो स्कोर करो, क्योंकि इंग्लिश ही है अब जो है आपको सिलेक्शन कराने वाला मेन सब्जेक्ट। सिलेक्शन के लिए अगर मैं आपको बोलूं कोई मेन सब्जेक्ट है तो सिलेक्शन का मेन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। क्यों मैं बोल रहा हूं, सिलेक्शन किसके दम पे होगा, इंग्लिश के दम पे होगा, यह बात समझना ठीक है, इंग्लिश के दम पे ही सिलेक्शन होना है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो दूसरा सेगमेंट आपका आने वाला है, दूसरा सेगमेंट आपका आने वाला है जीएस, और जीएस में भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं आपके जीएस के सिलेबस की बात करूं, यहां पे पहले मैं जीएस के सिलेबस को दिखा दे रहा हूं, ये तो रीजनिंग का बहुत भारी सिलेबस था पहले ये, तो जीएस के सिलेबस को इसने क्या कर दिया है, इस बार सॉल्ट कर दिया है। वेट अ सेकंड, ये अब पहले अगर देखा जाए, पहले ये जीएस का सिलेबस इतना बड़ा होता था, अब ये जो सिलेबस है वो केवल कितना बड़ा है, इतना बड़ा किया गया। लेकिन इसने सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी, क्या कि हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस के, ज्योग्राफी होंगे, आर्ट एंड कल्चर होगा, सिविक्स यानी पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, जनरल साइंस होगा, ये तो कोर पार्ट हो गया। इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा अप टू 10th स्टैंडर्ड का। तो इस बार क्या हो सकता है, कोर जीएस आपका ज्यादा पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन एक बात समझना, अभी एसएससी एमटीएस के पहले की बात करें तो इसमें स्टैटिक के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। मतलब पहले 25 क्वेश्चन होता था, 25 में 15-15, 16-16 क्वेश्चन केवल किसके होते थे, स्टैटिक के होते थे, एक दो क्वेश्चन करंट के होते थे और बाकी क्या होता था, कोर जीएस होता था। अभी ये क्या है, हो सकता है ये 50-50 के वेटेज में जाए, फिर भी स्टैटिक को एकदम लेके चलना कि वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। अब स्टैटिक मतलब कुछ अलग सा, करंट से रिलेटेड केवल नहीं होता स्टैटिक, मतलब हिस्ट्री की भी स्टैटिक, जैसे फेमस जो रूलर्स हुए हैं, फेमस डायनेस्टीज हुई हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो जो मेन पहाड़ियां हैं, जो मेन वोल्केनोज हैं, ये स्टैटिक का पार्ट हो गया। पॉलिटी की बात करें तो मेन अमेंडमेंट्स हो गए, ये स्टैटिक का पार्ट हो गया। इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो बैंकिंग टर्म्स हो गए, ये स्टैटिक का पार्ट हो गया है ना, या अवार्ड किसे मिले हैं, किस क्षेत्र में मिले हैं, ये इकोनॉमिक्स का हो गया। साइंस की बात करें तो मेजर इन्वेंशंस हो गए, ये सब क्या होते हैं, स्टैटिक के ही पार्ट होते हैं जो कोर से आपसे रिलेटेड होते हैं। तो एक आपका क्या हो गया, स्टैटिक हो गया है, और दूसरा आपका कोर जीएस हो गया है, कन्वेंशनल पार्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करेंगे। बट जीएस का स्कोप बहुत बहुत वास्ट है इसका सिलेबस, इसमें नंबर कितने आते हैं ये सर्टेन नहीं होता है। और क्योंकि इसमें पहले नेगेटिव 1/4 ही होता था, अब नेगेटिव क्या है, 1/3 है इंग्लिश, और इसमें 1/3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आपके मार्क्स भी ज्यादा जाएंगे, इस कारण से कट ऑफ और भी नीचे आने के चांसेस हैं। बट फिर भी इसमें अगर 25 क्वेश्चन की बात किया जाए जो 75 नंबर का होने वाला है, आपको एटलीस्ट 15+ का टारगेट बनाना पड़ेगा, वरना फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि 45 नंबर अगर देखा जाए, 45 नंबर की बात करूं तो 45 आउट ऑफ 75 आपको यहां पे स्कोर करना ही करना पड़ेगा। और अगर इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश की जैसे मैंने आपको बताया तो इंग्लिश के दम पे ही सिलेक्शन लेना है। यहां पे 25 क्वेश्चन में 20+ तो मैं बोल रहा हूं, बट 21-22 आपका होना ही चाहिए, और 20+ के हिसाब से 60 नंबर यहां पे हुआ, टोटल 75, यानी 60 यहां पे जोड़ दो और अगर 45 यहां पे जोड़ दो तो ओवरऑल जो आपका कट ऑफ अब बनना चाहिए, ठीक है, यहां पे बात करते हैं। अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात किया जाए तो इंग्लिश, इंग्लिश में आपका कितना हो जाए चाहिए,
60 प्लस आपका स्कोर यहां पे होना चाहिए, और अगर मैं जीएस की बात करूं तो 45 प्लस यहां पे होना चाहिए, मतलब 105 से लेके 110 ये मिनिमम होना चाहिए 150 में से, अदरवाइज सिलेक्शन पे क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो ये आपको क्या है, एक अपना कट ऑफ लेके चलना है, अपनी तैयारी लेके चलना है। मैथ्स और रीजनिंग की अब मैं बात करूं तो आपको मैथ्स भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल रीजनिंग, और रीजनिंग में केवल आप किसकी प्रैक्टिस करो, नॉन वर्बल की। रीजनिंग में किसकी प्रैक्टिस करना है, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में भी क्या होता है, क्योंकि आसान होता है, इसकी कोई लॉजिक नहीं होती। जैसे आपका मिरर इमेज हो गया, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको क्या हो गया, वाटर इमेज हो गया, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, आपका एनालॉजी हो गया, एनालॉजी पे प्रैक्टिस करना है। आपको ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन जिसे बोलते हो, इसे आपको प्रैक्टिस करना है। आपको इसके अलावा सीरीज की भी प्रैक्टिस करना है, और थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग। इस बार क्योंकि क्लॉक कैलेंडर दे दिया है तो वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपका इतने से ही काम चल जाएगा, यहीं से आपका क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि नॉन वर्बल से कम 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल पूछ लेगा। कम से कम 1 क्वेश्चन मिरर का, 1 क्वेश्चन वाटर इमेज का, 1 क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन एनालॉजी पे, 1 क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट, 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके सीरीज पे, 2 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग। तो 5 से 6 आपको यहीं पे होगा, 12 क्वेश्चन चाहिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 9, 6, 15, टोटल मैंने 15 क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद क्लॉक कैलेंडर आता है, आपको 12 ही सही करना है। लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि आप पता लगे मैथ्स और रीजनिंग को इतने हल्के में ले लो कि इसी में क्वालिफाई ना कर पाओ, हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अच्छे से इसमें तुक्का भी मार सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मैथ्स में आप केवल डीआई वाला पार्ट कर लो, डीआई पार्ट कर लो, और ना कुछ कर पाओ तो आप केवल सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर लो, बाकी आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, केवल इतना पढ़ लोगे तो 3 क्वेश्चन यहां पे, 3 क्वेश्चन यहां पे, मतलब 6 क्वेश्चन आपका यहां पे कवर हो जाएगा, और 12-15 क्वेश्चन में यहां पे बता दिया, 21 क्वेश्चन में से क्या आप 12 सही नहीं कर पाओगे, सही हो जाएगा। तो मैथ्स रीजनिंग में केवल आपको डीआई, सिंप्लीफिकेशन और रीजनिंग के मैं इतने पार्ट बता दिया, आपको सिलेबस भी देखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो किस पे हो रहा है, केवल इंग्लिश और जीएस पे। अब रही बात कि हम पढ़े कहां से, तो मैंने आपको बताया कि टीम परीक्षा प्लस इसका क्या कर रही है, एकदम कंप्लीट निःशुल्क बैच चला रही है जिनमें हम सब कुछ प्रॉपर्ली दे रहे हैं। आप देखो जैसे रोल एकदम पूरी स्ट्रेटेजिक, रोल आपका किसका है, जनरल स्टडीज का ज्यादा है, रोल आपका स्टैटिक जीके का ज्यादा है, रोल आपका साइंस का ज्यादा है। तो इन जीएस की 3 किताबें, 3 तरीके से नोट्स आपको हम यहां पे प्रोवाइड करने वाले हैं। मैथ्स और रीजनिंग का आपका जो बेसिक होगा वही आपको पॉइंटर दिया जाएगा कि आपको केवल क्वालिफाई करना है, और उसके बाद वोकैब्स और इंग्लिश दोनों अलग कर दिया गया क्योंकि वोकैब्स का पार्ट अलग होता है। ये हो गया। साथ में आपकी क्या होंगी कि क्लासेस चलेंगी। क्लासेस कब से चलेंगी, एसएससी फाउंडेशन का एकदम निशुल्क कोर्स, फ्री कोर्स इसमें चलाया जा रहा है, 0 फीस पे सब कुछ आपको दिया जा रहा है। इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, और अगर इतनी क्लास आप केवल कर लिए तो इस बात की गारंटी है कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। सुबह 9 बजे से लेके 11 AM पे होगा। कहाँ पे होगा ये भी मैं बता दूं, परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे होगा। परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे आपको यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं पे आपका सारा होगा, और बेल आइकन जरूर पुश कर लीजिएगा, सब कुछ नोटिफिकेशन यहीं पे मिलने वाला है। परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे ये मिलने वाला है। नोट्स कहाँ पे मिलेगा, तो नोट्स के लिए आप क्या करो, परीक्षा प्लस का ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे एसएससी एमटेस्ट, जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे आपके जब परचेजेस में जाओगे तो वहीं पे आपको क्या मिलेगा, दिखा हुआ मिलेगा एसएससी एमटीएस का कोर्स, और आप वहां से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ही नोट्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, वो आपका फायदा मिल जाएगा। तो ये कंप्लीटली फ्री बैच है ना, ये पूरा फ्री है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसमें 1 रुपए का भी शुल्क नहीं लगाया गया है। बहुत सारे लोग इसे 400 रुपए में 500 रुपए में 600 रुपए में जैसा हो रहा है वैसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं उस पर कोई टिप्पणी कर रहा हूं, सबकी अपनी वो है। करना आपको कहां से है वो चीज मैं आपको दिखा दूं। जैसे आप कहां पे जाते हो, परीक्षा प्लस यूट्यूब पे जाते हो, तो ये आपका परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल है, इसे आप देख सकते हो। परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे जाओगे, ये वाला लोगो है यहाँ पे, इसे आपको बस सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पुश करना है, उसके बाद क्या करना है, नोटिफिकेशन आपको अपने आप आने लगेगी। और साथ में नोट्स के लिए आपको परीक्षा प्लस का क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। कहां से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, ऐसे आपके सारे थंबनेल लगे होंगे तो वो आप क्या कर सकते हो, वहां से आप सारे नोट्स पा सकते हो। ये आपकी तैयारी बहुत कंप्लीटली की जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं इसी वीडियो में कि एसएससी एमटीएस की तैयारी आपके साथ में होगी।
इसके अतिरिक्त आपका एसएससी फाउंडेशन में ही इसके बाद जो पेपर लगा हुआ है सीएचएसएल, उसके बाद आपका सीजीएल, सीजीएल सबसे पहले होगा देखा जाए तो 1 अप्रैल से इसके फॉर्म आ रहे हैं, ये भी इसी में तैयारी किया जाएगा। तो पूरी तैयारी जो करवाई जा रही है, जैसे 9 से अगर देखा जाए तो 9 से 9:30 के बीच में आपके 3 दिन इंग्लिश कोर और 3 दिन आपका जीएस कोर कराया जाएगा, ऐसे समझो 9 से लेके 9:30 तक, 9 से 9:30 आधे घंटे की क्लास में ही आपका सिलेक्शन बहुत आराम से होगा। इसमें 3 दिन, शुरुआत के 3 दिन आपकी क्या होगी, जीएस होगी, जीएस होगी, जीएस होगी, और उसके बाद फिर इंग्लिश होगी, इंग्लिश होगी और इंग्लिश होगी। ये शुरुआत के 3 दिन, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे और ये सैटरडे, 3 दिन। उसके बाद आपका 9:30 से लेके ये 10 AM जो हो रहा है, ठीक है, इसमें आपकी 3 दिन शुरुआत में मैथ्स चलेगी, यहाँ पे मैथ्स चलेगी और यहाँ पे फिर 3 दिन क्या चलेगी, रीजनिंग चलेगी। ये आपका अभी एमटीएस के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप सीएचएसएल का कर रहे हो, आप किसका कर रहे हो, आप सीजीएल का कर रहे हो या फिर आप किसका कर रहे हो, जीडी का कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और क्योंकि आपका एमटीएस में इंग्लिश और आपका क्या हो रहा है, जीएस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग 10 बजे फिर से 10 बजे आपकी स्टैटिक, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टैटिक जीएस प्लस करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। और 10:30 से हम वोकैब स्पेशल प्लस क्लोज टेस्ट, जो पहले पूछता था अगर पूछ सकता है, बट ज्यादा चांस कंप्रेहेंशन का है, तो कंप्रेहेंशन ये वाला जो पार्ट है वो हम 10:30 से करेंगे। तो एमटीएस का एक पूरा टाइम टेबल है, ये क्लासेस अभी चल रही है, ऐसा नहीं कि कोई डेट होगा, कंटिन्यू रनिंग है 25 मार्च, ये 25 मार्च से ही चल रही है, ये जो निशुल्क वाला आपका क्रैश कोर्स के, इसे आप क्रैश कोर्स भी बोल सकते हो एमटीएस का, पूरा फाउंडेशन के बेसिस पे कि आपका सिलेक्शन करवाना है उस अकॉर्डिंग चल रही है। टाइमिंग आपका 9 से 11 है, कहां पे चल रही है, परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे चल रही है, नोट्स आपको परीक्षा प्लस ऐप पे मिलेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों हमसे जो हो सकता है वो आपके लिए मैं करूंगा, हमेशा करता आ रहा हूं, इससे पूर्व में हमने जितने भी निशुल्क बैचेस चलाए हैं सब में बहुत दमदार रिस्पॉन्सेस मिले, बहुत अच्छे सिलेक्शन भी रहे, उम्मीद है कि ये बैच भी आप लोग के साथ बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलने वाला है और बहुत अच्छा सिलेक्शन लोग देने वाले हैं। एक बार जब मैं और आप मिलके वादा कर ले कि इस वैकेंसी में अब एमटीएस जब इतना आसान हमारे लिए हो गई है, जो शायद हमारे लिए बनी है, जो बच्चा केवल 10th पास करके जा रहा है, वो पूरा कंपटीशन को कम कर रहा है कि सीजीएल वाला बच्चा इसमें बैठ नहीं आएगा, उसकी जीएस कमजोर रह दी है, तो वो क्या करेगा, अब यहां पे अब आपके लिए जो वैकेंसी है इसमें मैं और आप मिलकर प्रॉमिस करेंगे कि एमटीएस में जो करीबन इस बार 12,000 पद हैं, इस 12,000 पद में क्या एक पद हम नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, 1 से 2 महीने का समय भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि विषय भी तो कम है, आप 4 महीने पढ़ के क्या करोगे, केवल आपके पास 2 विषय हैं तो 2 विषय में 1 महीने ज्यादा समय भी नहीं चाहिए। चलिए मिलकर वादा करते हैं कि इसमें हम लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे। परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए इसी चैनल को, और बाकी कोई प्रश्न रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य पूछिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद सभी का।